नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो ओप्पो से रिलेटेड होने वाला है। बहुत से भाइयों कमेंट आ रहा था कि भाई हमारा जो ओप्पो A53 और A52 का जो अनलॉक है वो हम कैसे कर सकते हैं और हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों आपको, FRP लॉक जो हमारा होता है वो आप अनलॉक कैसे कर सकते हो। ओप्पो का हमारे पास मॉडल जो है वो है A53। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका जो हार्ड रीसेट प्लस FRP लॉक कैसे कर सकते हैं हम वन क्लिक में। और इसके लिए दोस्तों आपको PC वगैरह की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको FRP लॉक इस मोबाइल ओप्पो का कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको, हमारा जो मोबाइल है कंप्लीट लॉक हो चुका है और अब हमें हमारा जो मोबाइल है अनलॉक करना है, हार्ड रीसेट जिसको हम बोलते हैं। कंप्लीट ऑफ करेंगे सबसे पहले दोस्तों और यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे हमारा मोबाइल जो है कंप्लीट ऑफ हो जाता है, उसके बाद में आपको माइनस की प्लस पावर बटन आपको दबा के रखना है दोस्तों। ये देखिए दबा के रखना है। जैसे हमारे मोबाइल पे लोगो आता है ओप्पो का, तो आपको पावर बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम का डाउन का जो बटन है दोस्तों वो दबा के रखना है आपको। फ्यू सेकेंड, 2 से 5 सेकंड आपको दबा के रखना है। उसके बाद में दोस्तों ये यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास, यहाँ पे इंग्लिश चूज करेंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों नीचे VIP डाटा का ऑप्शन दिया है तीसरे नंबर पे, उसको हम क्लिक करेंगे एक बार। उसके बाद में दोस्तों VIP डाटा नहीं करके आप हम यहाँ पे हम फॉर्मेट करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास जो है कोड शो हो चुका है। जिस भी मोबाइल में आपको ऐसे कोड शो होगा वही आपका जो मोबाइल है वो फॉर्मेट होगा या हार्ड रीसेट होगा। अगर किसी भी मोबाइल में आपको कोड शो नहीं होता है तो उसके लिए दोस्तों आपको ISP टूल से करना पड़ेगा या ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन करवाने के लिए दोस्तों आप हमारे पास मैसेज कर सकते हो, हम आपका जो मोबाइल है ऑनलाइन भी कर देंगे। तो यहाँ पे वेट करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो मोबाइल है दोस्तों यहाँ पे रिबूट होगा, तो इसके लिए हमें आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और मैं दोस्तों फिर से बता दूं आपको, ये जो मैंने कोड शो किया है, जो कोड आपको डाला है यहाँ पे, अगर आपका कोड शो होता है तभी आपका जो मोबाइल है हार्ड रीसेट होगा, अदरवाइज़ आपका मोबाइल जो है नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे वेट करेंगे दोस्तों, थोड़ा वेट करेंगे, कंप्लीट जो हमारा है ऑफ ऑन होना है। तो दोस्तों कोई भी मोबाइल का अगर आप फॉर्मेट करते हो या हार्ड रीसेट करते हो तो आपको वहाँ पे टाइम लगेगा, 2 से 3 या 5 से 6 सेकंड मिनट भी लग सकता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोड की बात करें तो दोस्तों अगर कोड से अगर आपका होता है तो 100% आपका जो है हार्ड रीसेट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन या ISP टूल से करवाना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो मोबाइल है कंप्लीट ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पे FRP की ट्राई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो FRP लॉक जो है यहाँ पे लगा हुआ है मोबाइल को। तो अब हम ट्राई करेंगे दोस्तों *813 या 12, तो इसे भी आपको सॉल्यूशन नहीं होगा दोस्तों। *812 या 123 इसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है आपको, 13 से भी और 12 से भी। तो इसके लिए बाईपास करेंगे दोस्तों, विदाउट आपको कंप्यूटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इसमें, आपको विदाउट कंप्यूटर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है आपको, हमारा जो वाईफाई कनेक्शन है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, नीचे पे फिर से क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे। तो एक बार फिर से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अलाव का ऑप्शन जो आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों नीचे चलेंगे तो यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन है, परमिशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्च में करेंगे दोस्तों सेटिंग SE। तो यहाँ पे SE करने के बाद में आपको नीचे की डाउन कर लेना। उसके बाद में देखिए तो एडवांस सेटिंग के नाम से ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करेंगे। अरेजिंग ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट करके क्लिक करेंगे और यहाँ पे अरेजिंग डाटा कर देंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो मोबाइल है कंप्लीट यहाँ पे डाटा इसका फिर से रिस्टोर होगा और हमारा जो मोबाइल है फिर से फॉर्मेट करेंगे हम। तो यहाँ पे भी आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से 3 मिनट का करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे वेट करते हैं। ऑनलाइन के लिए आप कॉल कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने वीडियो को जो स्किप कर दिया दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी, और एक बार जो है डाटा का जो वाईफाई का कनेक्शन है दोस्तों, वो हम एक बार फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे और कनेक्ट करेंगे। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ जल्दी से, पासवर्ड एंटर कर दिया दोस्तों मैंने। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट करेंगे, फिर से एक बार हम नेक्स्ट करेंगे, एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट कॉपी करना है, वेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। मैंने थोड़ा वीडियो को भी स्किप किया है, तो आपको टाइम देना है पूरा का पूरा। और आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो अगर आपका अच्छा होगा तो जल्दी से आपका जो ये सेटअप है दोस्तों वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो कम्प्लीट ओके हो चुका है, FRP के रिलेटेड भी। तो यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे जल्दी जल्दी से। हमारा जो मोबाइल है दोस्तों कम्प्लीट ऑन हो चुका है, कम्प्लीट इसका जो FRP लॉक है वो कम्प्लीट हो चुका है। और जिस भाइयों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइनली जो हमारा मोबाइल है वो ओके हो चुका है, फाइनली जो हमारा मोबाइल है वो ओके हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।